आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। लाल किला जब तैयार किया जा रहा था उस समय उसकी कोई दीवार टूट रही थी, तो उन्होंने यहाँ से अर्जी लगाई थी कि हनुमान जी आप हमें वहाँ से उसका पूरा करवाइए। उनके जो मंत्री जी ने उनको बताया था, तब उन्होंने यहाँ से आदेश हुआ था कि आप मरघट वाले बाबा जी को मनाइए, आपका जो है लाल किला पूरा तैयार हो जाएगा। आज भी कहा जाता है कि अगर बात की जाए तो हनुमान जी अजर हैं हमारे, उस बात पर आप कितना विश्वास रखते हैं? पूरा विश्वास है। देखो आज कलयुग के जो भगवान कहलाए जाते हैं वो हनुमान जी कहलाए जाते हैं। कहीं से भी कितनी दूर दूर से लोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं, सब यहाँ मन्नत मांगे जाते हैं, वो इनकी पूरी होती है यहाँ पे। तो अगर आप एक बार यहाँ जो मन्नत मांगोगे ना वो तो पूरी होगी तुम्हारी। दक्षिण मुखी का अर्थ क्या होता है? दक्षिण जैसे दक्षिण मुखी है, ये दक्षिण की तरफ मुख है ना इनका, उनको दक्षिणी मुखी बोलते हैं। और यहाँ पे ये बाल रूप है इनका। हाँ, बाल रूप तो हनुमान जी का अपने में ही एक विचलित था और लोगों को जो है अद्भुत लगता था कि जब बाल रूप में ही जो है सूरज को एक फल समझ करके खाने को दौड़ गए थे। हाँ, ये तो इनकी शक्तियाँ बहुत है बेटा यहाँ पे। देखो अगर ये तुम कहीं से भी कितनी दूर दूर से लोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं, सब यहाँ मन्नत मांग के जाते हैं, वो इनकी पूरी होती है। मुगल शासक के दौर के समय यहाँ पर काफी आक्रमण भी कराए गए थे, लेकिन अगर बात की जाए तो मुगल के लोग भी यहाँ पर आकर के दर्शन करते। मैम एब्सोल्युटली वो तो स्ट्रेंथ है हनुमान जी की, उनकी पावर की, तो चाहे मुगल आए, चाहे टीपू सुल्तान आए, चाहे कोई भी आए, इसको कोई नहीं हाथ लगा सकता, कोई नहीं हाथ लगा सकता। पवन पुत्र हनुमान जिस तरीके से, अगर बात की जाए, आज भी कहा जाता है कि इस धरती पर हनुमान जी हैं, अजर हैं, अमर हैं, उस बात पे आप कितना विश्वास रखते हैं? बिल्कुल 100% विश्वास है, दैट्स द रीजन आई एम हियर, आई टोटली बिलीव इन हिम एंड ही वाज वन ऑफ द आइकॉनिक हमारे जो लेजेंड हैं, जो हैं, ही वाज अ वॉरियर, ही वाज अ गॉड, ही वाज अ सेवियर फॉर अस, सो ही इज डेफिनेटली देयर। थैंक यू सो मच। तो देखिए जब लोगों से बात कर रहे हैं उन्होंने बताया, हनुमान जी के इतिहास के बारे में कुछ बता पाएंगे यहाँ के मंदिर के बारे में? ये प्राचीन मंदिर है यहाँ का, कनॉट प्लेस के नाम से जाना जाता है, बहुत ही पुराना मंदिर और प्राचीन मंदिर कहलाता है। और यहाँ पे लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। मंगलवार को आप देखेंगे तो यहाँ इतना रश होता है, पैर रखने की जगह नहीं होती है। यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं? हाँ, टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पे, पूछते होंगे इसके इतिहास के बारे में आप लोगों से? हाँ, बस यही पूछते हैं कि भाई ये मंदिर क्या है, कब से है, तो यही बताते हैं कि भाई पांडवों के टाइम से मंदिर बताया जाता है, ये इंद्रप्रस्थ जब कहलाता था तो यहीं पे जो है भैरव मंदिर से लेके यहाँ पे एक ही रास्ता हुआ करता था किसी समय में, तो ये उसी समय से बना हुआ मंदिर है। हाँ जी, बना हुआ। हाँ जी, हाँ जी। आज भी कहा जाता है कि अगर बात की जाए तो हनुमान जी अजर हैं हमारे, उस बात पर आप कितना विश्वास रखते हैं? पूरा विश्वास है। देखो आज कलयुग के जो भगवान कहलाए जाते हैं वो हनुमान जी कहलाए जाते हैं, है ना। आज के कलयुग के भगवान जो हनुमान जी ही हैं जो प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पे विराजमान है, क्योंकि बाकी सभी देवी देवता तो अपनी जगह विलीन है और आज के जो देवता माने जाते हैं वो हनुमान जी माने जाते हैं। इस मंदिर को लेकर के इतिहास ये भी है कि यहाँ पर मुगल बादशाह अकबर भी बाबा के दरबार आते थे और बाबा को चरण स्पर्श करके जाते। मैंने बताया ना ये पांडव काल से बना हुआ है, पांडव काल से बना हुआ है, तो उन्होंने भी कुछ चमत्कार देखे थे। ये बताया जाता है जिस समय लाल किला जब तैयार किया जा रहा था उस समय उसकी कोई दीवार टूट रही थी, तो उन्होंने यहाँ से अर्जी लगाई थी कि हनुमान जी आप हमें वहाँ से उसका पूरा करवाइए। उनके जो मंत्री जी ने उनको बताया था, तब उन्होंने यहाँ से आदेश हुआ था कि आप मरघट वाले बाबा जी को मनाइए, आपका जो है लाल किला पूरा तैयार हो जाएगा। ये इसलिए उन्होंने जो है इसकी जो मानते ज़्यादा इसलिए हुई थी। तो देखिए लोगों से बात करी और प्रसिद्ध कैनॉट प्लेस का ये जो हनुमान मंदिर है उसके बारे में हमने जाना। ये प्राचीन हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हनुमान जी की जो मूर्ति स्थापित है वो बाल लीलाओं वाली है। तो वाकई अगर देखा जाए तमाम इतिहास इसके जुड़े हुए हैं, मुगल शासक से भी जुड़े हुए हैं, पांडव से भी जुड़े हुए हैं, तुलसीदास से भी जुड़े हुए हैं। और अगर हाल ही की बात करी जाए तो लाल किले का जो एक इतिहास था जो अभी इन्होंने बताया भक्त से बात करने पर जो लोग यहाँ पर हैं, तो अगर देखा जाए और समझा जाए तो धार्मिक स्थलों की एक अपनी ही मान्यता है, एक अपनी ही आस्था है, हर कोई यहाँ पर आता है। और जितनी आस्था इस प्राचीन हनुमान मंदिर की है जो सबसे बात करने पर केवल यही पता लगता है कि बस यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं और मन को शांति प्राप्त होती है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर, कैमरा पर्सन सौरभ के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।